भाई साहब मूवी का अभी इंटरवल हुआ है और मूवी देखकर एक भी नहीं समझ नहीं आया, अरे क्या हो रहा है मूवी। मैं तो भाई तो हेलो गाइस, कैसे सभी, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए। बहुत दिनों बाद फिर से आज व्लॉग लेके आए हो। बेसिकली रीजन ये है कि अभी एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो है प्रभास की मूवी कल की, 8289 ऐसे करके कुछ नाम है, मूवी का पूरा नाम भी मेरे को नहीं पता है। तो बस हम लोग का प्लान बना कि चला जाए देखने के लिए, रिव्यू किया जाए। तो बस आप लोग देखे हो तो बताना कमेंट में, और बाकी जो लोग नहीं देखे वो भी बताना, क्योंकि मूवी में ऐसा है, मतलब अभी बता रहा है किसी को कहानी ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट फिर भी मूवी हिट है। तो चलो एक बार देखते हैं, हॉल का मजा लेते हैं, और प्लस में 3D शो हम लोग बुक किए हैं। तो 3D हमको 3D आज तक देखे भी नहीं है कि 3D मतलब कैसा दिखाता है, कैसा दिखता है, तो उसका भी एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे। हम हैं और एक मेरे साथ और रहते हैं प्रदुमन, वो भी है साथ में, तो वो अभी उधर ही अटके हुए जाम में 90 फीट डॉक्टर को नहीं सर, तो वहाँ से उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर आराम से मस्त चलेंगे। तभी हम लोग निकल रहे हैं। और मौसम की बात करें ना, पटना में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ आज। सामने का मौसम देखो, बिल्कुल मस्त है मौसम, बट बारिश हुआ है ना, तो मतलब इधर सब भींगा हुआ है यार, बट कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं पटना में बारिश का नज़ारा। पूरा तालाब बन रखा है पटना, मतलब बारिश, बाहर निकलने लायक रहता नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सिटी सेंटर के नीचे पार्किंग में, गाड़ी उधर पार्क कर दी है, बाकी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड ना। कजी है, निकलते नहीं है मूवी देखने के लिए, एक्साइटेड ना बहुत ज्यादा। 3D में वो भी है, बहुत ज्यादा 3D पहले देखे ना, 3D ना 3D देखे हैं आप, डार्क 2 शायद अपना हम नहीं देखे, मेरा फर्स्ट टाइम है 3D का। सर अभी चलते हैं इधर से लिफ्ट से, उसके बाद फिर अभी 1 घंटा टाइमिंग है भाई स्टार्ट होने में, एक दो चक्कर लगा लेंगे मॉल के, है ना। हाँ जी, जब कोई गन वगैरह चलाएगा लगता है कि हम सामने मार रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कम धाकने वाला कर दिया, देखते हैं गाइस क्या होता है। अरे यू इनका फोन का बैटरी पता है डाउन है, और मेरा भी ऐसे ही डाउन है। चलो 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 देखने आए, टाइम पास तो हम लोग इधर ही कर रहे हैं, मूवी से मजा तो इधर ही आता है देखने में, जैसे पानी का झरना देख, झरना देखने में मजा आता है मूवी से ज्यादा। कब वो दिन आएगा जब हम भी ये खरीदने आएंगे? अभी तो ऐसा कोई दिन नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा। इस लगा के मैं हम 2 बार आ रहे हैं मूवी देखने, एक बार और आए थे बट उसका सिर्फ मिनी व्लॉग बनाए थे, व्लॉग नहीं बनाए थे। उस टाइम आए थे रेंडमली रात के 10-11 बजे समथिंग में आए थे लास्ट शो देखने के। जब सिटी सेंटर में आने में खुल गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान है, मतलब हमको पता ही नहीं चलता था कि पटना में कहाँ सिनेमा। जिंदगी में इतना तो कमाना है भाई कि ये सब चीज़ से कोई सामान खरीदने के लिए प्राइस तक ना देखना पड़े, इतना जरूर कमाना सर। मूवी का रिव्यू बता, कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई सही से रिव्यू बता ही नहीं रहा कि मूवी कैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जितना पैसा लगाया सब पछतावा हो जाए। देखते हैं, पछता कर भी आप बुक कर लिए तो रिफंड भी नहीं होगा, आए तो देख कर ही जाएंगे, पछताने से क्या होगा, मस्त एसी का हवा खाएंगे 3 घंटा। एक चीज़ बताएं आपको, हम लोगों का टिकट जितना महंगा नहीं है ना, उससे ज़्यादा महंगा यहाँ का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक है भाई। प्राइस दिखाएं आपको, तो ये देखो पॉपकॉर्न का प्राइस कितना है, 800 रुपये, देखो देख रहे हो ना, 2 कोल्ड ड्रिंक देगा एक पॉपकॉर्न देगा 800 रुपये, 800 का टिकट है, दोनों का टिकट है 800 के। ये लेके आया है पानी का बोतल, ये पानी का बोतल है, 70 रुपये का पानी में, कितना का दिया, 70 रुपये का पानी गाइस, ये देखो दिस इज वाटर, वो भी कितने का, 70 रुपये का। रेडबुल पता है, रेडबुल 190 पहुंचा दिया, 120 सिनेमा हॉल है अभी थिएटर के अंदर, भीड़ तो काफी ज्यादा है स्क्रीन 2 में। हाय हाय, चश्मा कहा चले जाए भाई, आज इंडिया का फाइनल सब, इसलिए इंडिया का फोटो लगे ले कहा, मतलब गलिया में लगे ले जो इंडिया का फाइनल, इसलिए कहा इसको घर ले जाना भी होता है, इसको देना होता है। चलिए इतना महंगा पैसा देकर खरीदा है, चश्मा ना दीजिएगा जी। इधर आने के बाद एसी बहुत ज्यादा ही तेज है ना, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम एसी का हवा खा के जाएंगे, फिर भी अच्छा लगेगा। चलो ये भाई थिएटर तो पूरा खाली है, को पता है हमने मूवी देखने के लिए पूरे थिएटर ही बुक कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आदमी को एंट्री दे दिए थे भाई, और चाय कॉफी ये क्या दे रहा है, ऐड दे रहा है। चलो देखिए सब तो वही चीज है, सी 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 में 17-18 सही मजाक नहीं बोल रहे, सही मजाक है, शिमला बने ले इतना यहाँ पर गोल्ड है ना, मन कर रहा था कि वो चंदा ले जाते, हाँ बिछा के सुतरा।
चलो मूवी शुरू हो रहा है गाइस, मस्त मूवी का एंजॉय करते हैं ना। ये देखो अभी देखते हैं यहाँ पर कौन बैठता है बगल में। होप कोई अच्छे इंसान बैठे। मूवी तो स्टार्ट हो चुका गाइस, लेकिन सही बताता हूँ कुछ ऐसा मूवी देखी नहीं रहा है, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है। तो भाई साहब मूवी का अभी इंटरवल हुआ और मूवी देखकर एक उन्हें समझ नहीं आया, अरे क्या हो रहा है मूवी। मैं तो भाई अभी इंटरवल में मतलब पिछले डेढ़ घंटा में मतलब आधा घंटा सो ही गया था, एक घंटा तक सो गया था। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार क्या मूवी में चल रहा है स्टोरी, मतलब डेढ़ घंटा हो गया कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा स्टोरी, मतलब हो क्या रहा है। मतलब ऑल ओवर मूवी में इतना स्टोरी है कि स्टोरी ही समझ नहीं आ रहा क्या स्टोरी है। इतना स्टोरी है कि स्टोरी ही समझ नहीं आ रहा है क्या स्टोरी है मूवी में। मतलब अगर देखने आ रहे हो ना तो दिमाग पर हम तेज करके लाओ कि हाँ यार फोकस रहना है। अगर हम इंजॉय करने के लिए आ रहे हो तो इंजॉय वाला मूवी नहीं है ये, महाभारत का महाभारत का मूवी है। स्टोरी है महाभारत के आगे का, कि जब महाभारत तो ख़त्म हो गया उसके आगे क्या होगा, क्या हुआ है उसका स्टोरी है। और अभी मतलब हमें तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ा इस मूवी का, हमारे लिए ठीक है, समझ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा था बट ठीक है हमारे लिए, कोई नहीं कहा। अभी थोड़ा टाइम और बच रहा है, चश्मा लगा के अभी देखते हैं मूवी, वापस चलते हैं। अभी थिएटर में इंटरवल ख़त्म हो चुका है, मूवी ख़त्म होने के बाद आप लोगों को मिलते हैं, देखते हैं ऑल ओवर मूवी का एक्सपीरियंस बताते हैं भाई। मतलब मूवी का स्टोरी समझ नहीं आ रहा था तो बगल वाले हॉल में चले गए, वहाँ पर लगा हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, और यहाँ पर फाइनली देखा तो इंडिया जीत गई थी भाई साहब। फिलहाल मूवी देख के हम आ चुके हैं डायरेक्टली अपने रूम पे, और मूवी देखने गए थे लेकिन मूवी के इंटरवल से पहले तक कुछ स्टोरी समझ नहीं आया तो हम लोग चले गए बगल वाले हॉल में। वहाँ पे लगा हुआ था मैच इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल, भाई मूवी का पैसा तो वसूलना हुआ लेकिन मैच देखकर हॉल का पैसा वसूल लिया। बट एक मूवी का ऑल ओवर रिव्यू दें आपको तो देखो, इंटरवल से पहले स्टोरी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, घंटा क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं चला, उसके बाद में आपको स्टोरी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, उसके बाद जो एक्शन है प्रभास का और अमिताभ बच्चन का तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा, देखने में मज़ा आएगा। लेकिन स्टोरी भाई अभी तक हमको समझ नहीं आएगा क्या स्टोरी उसमें, तो दिमाग लगाना पड़ेगा उस मूवी में। इंटरटेनमेंट के लिए कोई हल्ला कोई सुरसुरा नहीं, तब साइलेंट होकर मूवी देखना पड़ेगा। अगर हॉल जाओ तो एक्साइटमेंट होता है ना भाई कि मस्त चिल्लाओ, लेकिन वैसा कुछ मूवी नहीं है, मतलब मस्त साइलेंट होकर आप देखो समझो क्या है। मेरे को ऑल ओवर बताया ना तो मैं जितना का टिकट खरीदा था ना तो वो वेस्ट ऑफ मनी रहा, बाकी पता नहीं यार कैसे ये मूवी हिट है मुझे नहीं पता, बट वेस्ट ऑफ मनी रहा मेरे लिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। तो आप लोग अगर देखने जा रहे हो या देखने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा ये सोच लेना कि दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई इंटरटेनमेंट वाला मूवी नहीं है वो, मतलब दिमाग वाला मूवी है, एक्शन वगैरह है, देख के लास्ट में मज़ा आएगा आपको। बाकी गाइज मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।